हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग एक अगेन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, मतलब पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि जो भी झारखंड के बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, अब उनको पढ़ना मन तन धन से है, सारे के सारे फैक्ट को पढ़ना है। क्या पैटर्न होगा एग्जाम का सर? यहाँ साफ लिखा है OMR से भी एग्जाम हो सकता है या CBT भी हो सकता है, ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है। ऐसे ऐसे टिक जो लगाते हैं ना, ऐसे जो घेरा लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं OMR। इस प्रकार से घेरा लगाते हैं या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में से कुछ भी ले सकता है काउंसिल। अभी डिस्क्लोज नहीं किया, दोनों में से कोई भी होगा आप तैयार रहेंगे, ठीक है। तथा किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक अगर OMR या CBT से होता है तो जिसका भी सिलेक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट से, तो उसका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसका एक अलग मेथड होता है, वो ये लोग आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे वेबसाइट पर भी, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप आप हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। सबसे फर्स्ट में परीक्षा जो है एक चरण में लिया जाएगा, यानी एक ही शिफ्ट में एग्जाम आपका हो जाएगा, ऑलराइट। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQs पूछा जाएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है सर, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान होगा, यानी जब करेक्ट क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मार्क्स कितने मिलेंगे सर? एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलेगा। सारी चीज एकदम डिटेल में समझो, एक क्वेश्चन के लिए कितना? एक मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ सबसे ध्यान देने वाली बात, परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाओगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, निगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन कटने ही नहीं है सही आंसर, ठीक है सर। तुका में कोई नहीं आ रहा होगा तो गलत भी सही हो जाएगा, हालांकि मैं तुका का सपोर्ट नहीं करता हूं। आप पढ़ के जाओ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, छोड़ के कोई क्वेश्चन मत आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक मानू। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और भी चीजें, जैसे इसमें अब लिखित परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। अभी तक समझ में आया कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, एक सही क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है मुख्य परीक्षा एक पत्र का होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा, यानी चाहे नर्सिंग का एग्जाम होगा, चाहे लैब टेक्नीशियन का होगा, फार्मासिस्ट का, एक्सरे टेक्नीशियन, किसी का भी होगा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक ही पेपर लिया जाएगा, ठीक है सर। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, यानी समय कितना दिया जाएगा एग्जाम का? 60 मिनट दिया जाएगा सर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ऑलराइट। लिखित परीक्षा अंतर्गत पदों हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब यदि आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के एग्जाम देने जा रहे हैं और फॉर्म भरे हैं तो आपके सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि BSc MLT DMLT से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, अलग से नॉन टेक्निकल मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा। यही सेम चीज जो है पैटर्न फार्मासिस्ट के साथ भी अप्लाई होगा, एक्सरे टेक्नीशियन के साथ भी अप्लाई होगा, नर्सिंग वालों के साथ भी अप्लाई होगा, केवल जो है प्रोफेशनल कोर्स से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है सर, क्लियर हो गया। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, वो तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब 60 मिनट तो समय दिया गया हमें, क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा ये भी दिया गया है। लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार जैसे कि फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, सभी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन होगा सर। कितने होगा सर? 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन कितने मिनट में सोल्व करना होगा? 60 मिनट में सोल्व करना, यानी 10 मिनट ज्यादा दिया जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सबके सब आपके कोर्स से होगा, ठीक। और इनमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स होगा, यानी 50 क्वेश्चन कितने के लिए हो जाएंगे सर? 50 मार्क्स, यानी जो रिटर्न एग्जाम होना है वो आपके 50 मार्क्स के होने हैं। गॉट इट? क्लियर? उसका सिलेबस क्या होगा अभी और आगे बताऊंगा, और भी डिटेल में अभी हम समझने जा रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही डिटेल होना है। इसमें थोड़ा सा और भी पैटर्न ऐड हुआ, पहला तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। दूसरा, और भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। किस किस प्रकार से दिया जाएगा? जैसे कि जो आपने DMLT किया है ना, BSc MLT किया है, DMLT किया है, एक साल का कोई भी कोर्स किया है, उसमें आपका कितना मार्क्स आया है उसके बिहाफ पर भी इसमें मार्क्स दिया जाएगा। अगर उस एग्जाम में 60% से ज्यादा आपको मार्क्स आया है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा अलग से, ठीक है। 60% और 45% के बीच में आया है, किसमें? DMLT BSc MLT के मार्क्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें 7 मार्क्स दिया जाएगा। जिसमें 45% या इससे समकक्ष आया है मार्क्स, तो उसमें 5 अंक नंबर दिया जाएगा आपको टेक्निकल कोर्स का, ठीक है, जो आपने ड्यूरिंग कोर्स लाया है नंबर उसका। बोलते थे ना कि DMLT में इतना मार्क्स लगे क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, देखो यहाँ उखड़ता है, देख रहे हो, मार्क्स मिलता है सरकारी नौकरी में भी, जिनके 70-80% होंगे उनका तो गोल माल है, 10 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। और भी मार्क्स मिलना है सर, क्या मिलना है? और भी मार्क्स
शैक्षणिक योग्यता के दे के आधार पे यदि आपने मैट्रिक में 10th में 60% से ऊपर लाया तो 20 नंबर मिलेगा, यानी और 60% से 45% के बीच में 15 और 45% से 10 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद और मार्क्स मिलने कहां, इंटरमीडिएट में, यदि आपने इंटरमीडिएट में 60% से ऊपर लाया तो 20 मार्क्स मिलेगा, 60 से 45 में 15 और 45% में 10 मार्क्स मिलेगा। तीन तरह से मार्क्स मिल गए, फोर्थ एक और मिलेगा। जो व्यक्ति झारखंड राज्य में संविदा पे काम कर रहे थे और उनकी संविदा पे काम करते हुए 5 वर्ष कंप्लीट हो गया और 5 वर्ष के बाद अभी भी काम कर ही रहे हैं, या 5 वर्ष के बाद काम छोड़ दिया संविदा का, सर्टिफिकेट आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 5 साल का संविदा पे काम करने को, उनको भी मिलेगा मार्क्स। उनको कितना मार्क्स मिलेगा सर? उनको मिलेगा 50 मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स। इसमें कंडीशन वही है, 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के दर से दे होगा। अच्छा, 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष से दे होगा, शुरू में कंडीशन लगा है 5 साल जिनको कंप्लीट हो गया है उसके बाद से जितना साल का आपको एक्सपीरियंस है 5 मार्क्स 1 साल का मिलेगा। जैसे 5 साल आपको कंप्लीट हो गया तो 25 मार्क्स मिलेगा, 5 साल के बाद आपको जितना वर्ष कंप्लीट हुआ है, जैसे किसी को 7 साल हो गया तो 5 साल में 35 मार्क्स मिलेगा, कोई 10 साल से संविदा पर काम कर रहा है तो 10 पर 50 मार्क्स मिलेगा, ये मार्क्स मिलनी है उनको। क्लियर हुआ सर? कितने मार्क्स अब हो गए सर? 50 संविदा से, ठीक है, 20 नंबर इंटरमीडिएट से, ठीक, 20 और 20 40, 40 और 10 50, कितने मार्क्स हो गए आप सब? 150 मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स हो गए आपको, 10 मार्क्स हो गया डीएमएलटी का, 20 मार्क्स हो गया 10th का, 20 मार्क्स हो गया इंटरमीडिएट का, तो 40 और 10 50 मार्क्स हो गए आपको एजुकेशन के, किसके हो गए? एजुकेशन के, ठीक है। 50 मार्क्स के जो है वो आपके रिटन एग्जाम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रिटन एग्जाम हो रहे हैं, और 50 मार्क्स जो है वो संविदा वालों को मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स। इन टोटल 150 मार्क्स पे जाकर के जो है वो तैयार होगा आपको कट ऑफ, और फिर इनमें जिनका सिलेक्शन होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा। होप सो समझ में आई होगी बात। अब ये सब तो जो हो चुका वो हो चुका, जो संविदा में नहीं काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि उसमें नंबर बढ़ा सकते हो। जो 10th में जितना मार्क्स आया सो आया, जो 12th में जो जितना मार्क्स आया सो आया, उसको तो बढ़वा नहीं सकते हो। लेकिन अभी चांस हमारे पास केवल एक है बढ़ाने का नंबर, वो किसमें है सर? रिटेन एग्जामिनेशन, जो 50 नंबर का एग्जाम होगा उसमें बढ़ाने का है। कैसे बढ़ाएंगे? उसका कुछ कर लेंगे, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है और पूर्ण बिलीव भी है कि आपने जो पढ़ाई की है क्या उस पढ़ाई से इसका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सिलेबस पे बात करूंगा, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा सब पे बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बात कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है उससे सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने आप से पूछना, केवल फॉर्म भर देने से, अप्लाई कर देने से नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना होगा। पढ़ना क्या है आपको पता है? और वो राइट कंटेंट कहां से मिलेगा क्या आपको पता है? देखिए, यदि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तब तो आप पढ़ सकते हो, नहीं यदि अवेलेबल है, आप में से 90% बच्चे, जिनका मुझे अनुभव है, 90% बच्चे जो कॉलेज तो पढ़ाया ही नहीं, ये आप खुद करते हो। मैंने तो खैर बहुत सारे रिसर्च किया जा जाके, तो मैंने देखा है बहुत सारे, मेरे पास पेपर्स भी है कि लोग पढ़ाए नहीं है, लोग बच्चों को टाइम पास करवाए, वहां का शिक्षक ही नहीं पढ़ाने योग्य, क्या पढ़ाएंगे? तो उनको खुद नहीं पता है कि कॉग्निशन मैकेनिज्म में कितने क्लॉटिंग फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, पूछ के बता दो अगर मुझे आंसर मिल जाए तो, बिना गूगल किए तो नहीं पढ़ाए हैं, वो वाजिब सी बात है। तो आपने ना पढ़ा ना उन्होंने आपको पढ़ाया, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो सिलेक्शन के लिए कहां से पढ़ना होगा? उसके लिए हमारे पास लर्निंग ऐप है, ठीक है, आता हूं इस पर भी, बीच में एक बात आ गई तो इसलिए मैं आपको बताने चला आया। हमारे पास लर्निंग ऐप है, रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। इस ऐप का नाम क्या है सर? इस ऐप का नाम है रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको रैंक प्लस द लर्निंग ऐप जो है वो ओपन होगा कुछ इस प्रकार का, नंबर में डालकर रजिस्ट्रेशन करके ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब के माध्यम से पढ़ाते हैं आपको सारे सिलेबस। आप जैसे ही इस कोर्स को ओपन करोगे, लैब फाउंडेशन बैच 2.0 एक कोर्स है। कौन सा कोर्स में आपको ज्वाइनिंग लेना है सर? लैब फाउंडेशन बैच 2.0, लैब फाउंडेशन बैच 2.0। एक 1.0 भी है, इसमें नहीं है, ओल्ड बैच है, नया में लेना है, क्योंकि 2.0 का क्लास इस एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। मई जून में एग्जाम होगा, जून जुलाई में एग्जाम होगा, उसके पहले हमारा सिलेबस 2.0 का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लें डिजिटल बोर्ड पे नए फॉर्मेट में, बहुत डिटेल में आपको हर एक सिलेबस का डिटेल पढ़ाऊंगा। इसके सिलेबस अभी बता रहा हूं, इसका सिलेबस हमारे लैब फाउंडेशन 2.0 का यहां पे सिलेबस अवेलेबल है, वहां से देखना आपको सब हूबहू मिलेगा, ठीक है। ये बैच आप, इसका शेड्यूल है, ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर जाकर के, ठीक है सर। ये था मिड में, यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, इसमें नौकरी लेना चाहते हो, तो वाकई में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए पढ़ने के लिए क्या सरकार ने बोला है, जरा उस पर हम ध्यान देते हैं सर। आ गया सिलेबस, सबसे फर्स्ट वन दिया है लैबोरेटरी टेक्नीशियन का सिलेबस फॉर द लैबोरेटरी टेक्नीशियन। क्या सिलेबस होगा? आप इस सिलेबस को भी प्रिंट निकलवा लेना, और जो रैंक प्लस एप्पल लैब फाउंडेशन बाय 2.0 का सिलेबस हमने दिया हो उसको भी प्रिंट निकलवा लेना। देखना दोनों सिलेबस में कितना सिमिलैरिटीज है,
जो हम लोग लैब फाउंडेशन 2.0 का सिलेबस पढ़ा देंगे, एक भी टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा, और आप जो 50 मार्क्स जो आपके हाथ में है वो यहां से तैयारी करके ले आओगे। क्या सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने? सबसे प्रथम दिया फिजियोलॉजी में सिलेबस। फिजियोलॉजी में आपको सारे वही सवाल पूछे जाएंगे, सेल से टिश्यू, ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइनोलॉजी, एक्सक्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, मस्कुलर, स्पेशल सेंस, ये सारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिलेबस हमने ऐड किया हुआ है, सारे कुछ आपको 2.0 बैच में हम लोग पढ़ाएंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बेसिक और बायोकेमिस्ट्री में भी सारे सिलेबस जो यहां दिया गया वो हमारे सिलेबस में सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एपरेटस, केमिकल बैलेंस से सारे कुछ, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सारे कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सारे इसमें मेंशन किया गया, पढ़ाया जाएगा। अमीनो एसिड, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, देखो मैंने बोला ना, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। देन आपको एंजाइम, विटामिन्स, सारे कुछ, विटामिन्स, एंजाइम, सब कुछ दिया गया, पढ़ाया जाएगा। हेमाटोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, बोन मैरो, ल्यूकेमिया, ब्लड कलेक्शन, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा सिलेबस 2.0 में है और सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी सारे कुछ, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, सीमेन एग्जामिनेशन, सीएसएफ एग्जामिनेशन, ब्लड बॉडी फ्लूड एग्जामिनेशन, सब कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो बचा हुआ वो भी पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों के कंफ्यूजन ये होता है ना कि सर 2.0 बैच तो थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ था, तो जो सिलेबस निकल गया उसका क्या? देखो 2.0 में रिकॉर्डेड क्लासेस पर डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपलोड होता है, तो जो अभी सिलेबस निकल गया ना वो सब रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हुआ है। आप जैसे ही क्लास परचेज करोगे, लेक्चर 1 से अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे, सारे क्लासेस वहां जैसे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ रहता है, वैसे उस ऐप पर, रैंक प्लस ऐप पर भी पढ़ा हुआ रहता है, कहीं कोई क्लासेस नहीं जाएगा। और जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन से 2 साल तक आपको उस क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, सारे क्लासेस आप पढ़ोगे इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सारे तरीके आप लोगों को अपनाना है और हम लोग भी उसमें प्रयास करेंगे। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा है, बैक्टीरियो से, सिस्टमिक बैक्टीरियो से, माइको से, इम्यूनो से, वायरोलॉजी से, सारे हमारे सिलेबस अवेलेबल है और सारे कुछ हम इसमें आपको पढ़ाएंगे भी। बहुत कुछ पढ़ाई हो भी चुका है, परचेज कीजिए आज ही कोर्स को और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक एक चीजें हम उसमें डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और वो अगर आप एक बार कोर्स कंप्लीट करेंगे और पढ़ लेंगे ना, सिलेक्शन कंफर्म है कि होना ही होना है, सवाल यहीं से आने हैं, ठीक है सर। बैक्टीरिया में जनरल और मॉर्फोलॉजी, उसके बाद ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्टेलाइजेशन, सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, सारे कुछ हम पढ़ाएंगे। स्टेनिंग मेथड, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, फ्लूड, डिस्पोजल, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल, वेस्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एचआईवी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन के टाइप, इम्यूनोलॉजी में हम लोग सब कुछ एवरीथिंग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन लॉज, फोटोमेट्री, अजरमेंट, ट्रांसमिटेंस, ये सब कुछ तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 2.0 में सब कुछ अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ फोटोमीटर, फिल्म फोटोमीटर भी पढ़ाया जाएगा आपको। मेजरमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला, एप्लीकेशन, सब कुछ। वाटर मिनरल बैलेंस, ईसीएफ क्या है, आईसीएफ क्या है, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है अभी तक। एसिड बेस बैलेंस, इम्बैलेंस, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ऑर्गन फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, सारे फंक्शन टेस्ट बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा चीज जो है इसमें वो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हिस्टो हो, साइटो हो, ब्लड बैंक हो, इम्यूनोलॉजी हो, पैरासाइटोलॉजी हो। पैरासाइटोलॉजी में इनफैक्ट आपको नेमाटोड, प्रोटोजोआ दोनों पढ़ाता हूँ, सब कुछ डिटेल में, अभी स्टार्ट भी हो चुका है और पढ़ा रहा हूँ आपको। हेमाटोलॉजी में कॉगुलेशन फैक्टर, सारे कुछ, ब्लड बैंक में ब्लड प्रोसीजर्स, ये सारे जो सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में हर एक बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जो जो हमने सिलेबस में ऐड किया है सर, इन्होंने हू बहू सेम टू सेम यहाँ छाप दिया है, और वो सारे चीज आपको वहाँ सिलेबस में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो देर नहीं कीजिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, पढ़ने का समय अभी और तुरंत है, तुरंत स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी। ये पूरी डिटेल थी, आगे में एक्सरे टेक्नीशियन का सिलेबस है, आप अपने जिस कोर्स से बिलोंग करते हैं अपना सिलेबस आप खुद जांच लें, इसका प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख लें, और हर एक टॉपिक को, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर के माइंड में जहां से आएगा वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सभी टॉपिक को कंप्लीट रखो, और यकीन मानो हमारा यूट्यूब पर भी तो बहुत सारे लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, एक बार मेरे से पढ़ोगे, मैंने एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर दिया तो रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये तो फिलहाल समझ लो तुम। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, फिलहाल आप मस्त रहिए, सब ब्लेस्ड रहिए, और इस नए वर्ष में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है नौकरी के लिए, आप उसको अचीव कीजिए, हमें इसमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।